ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग नॉर्मल क्रिएचर को स्टडी करते हैं। नॉर्मल क्रिएचर में सबसे पहले सिद्धांत हम करने के पहले आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नेम करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी सबसे पहले इन्होंने दो बुक पब्लिश की थी, एक बुक पब्लिश हुई थी नॉर्मल क्रिएचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड 1979 पे, और फिर नेक्स्ट बुक है अ गाइड ऑफ आईपीएन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉर्मल क्रिएचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 94 में पब्लिश हुई थी। इसमें पूरा ही डिटेल में दिया हुआ कि कैसे कंपाउंड्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, हमने वर्ड रूट को समझते हैं। वर्ड रूट क्या है, कार्बन की स्केलेटन होगी, कितने कार्बन उसमें उपस्थित है उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी हम नेमिंग करेंगे। कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है, अगर एक कार्बन है तो इसको मेथ बोलते हैं, दो कार्बन एथ, तीन को ब्रो, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नोन, दस कार्बन है तो डे, और ग्यारह कार्बन है, 11 कार्बन है तो अनडेक, इसको हम क्या बोलते हैं, अनडेक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सफिक्स मैंने इधर तरफ बताया, सफिक्स और प्रीफिक्स, नॉर्मल क्लेचर करते समय कुछ पार्ट्स को हम पहले लिखते हैं, किसी वर्ड रूट के पहले प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स करते हैं। अगर उसको नामकरण करते समय हम वर्ड रूट के पहले नाम बता रहे हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे नाम से पता चला, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले लगाया जा रहा है, तो प्रीफिक्स में हम जिन चीजों को प्रयोग करेंगे वो प्रीफिक्स के रूप में आएंगे। जैसे आपकी जितने भी हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन फैमिली के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हैलो वर्ड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरह से ये सब क्या होंगे, एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे जोड़े जाते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, इनको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। NO2- है, ये क्या होगा, नाइट्रो है, ये भी प्रीफिक्स के रूप में यूज हो सकता है, और OCH3 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी, इस तरह से कार्बन की स्केलेटन यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है, और डाइएथो ग्रुप है N डबल बॉन्ड N, आपका नाइट्रोसो ग्रुप है N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो, ये सारे ग्रुप्स क्या प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज हो जाएंगे। कभी कभी क्या है, मैथिल ग्रुप होता है, मैथिल CH3 ग्रुप जुड़ेगा, मैथिल एथिल ग्रुप जुड़ सकता है, C2H5 एथिल ग्रुप जुड़ सकता है, C6H5 फेनिल ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। ये क्या है हमारा CH3 कार्बन, दो 2 डिग्री कार्बन के प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, और एक कार्बन से 3 टर्शियरी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, ये 2 डिग्री का है, ये सभी 1 डिग्री के एग्जाम्पल है। तो इसमें ये क्या है, हमारे ग्रुप का नेम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, एक कार्बन के साथ ये एक सेकेंड कार्बन की बैलेंसी है, फिर इधर बैलेंसी कम्प्लीट हो रही है, और एक ये बैलेंसी कम्प्लीट हो रही है, इसकी बात कर रहे थे। तो ये कार्बन क्या टर्शियरी ब्यूटिल कार्बन कहलाएगा, ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बन अगर किसी प्रीफिक्स के कार्बन स्केलेटन में जोड़ा जाएगा तो इसको हम टर्शियरी ब्यूटिल कार्बन कहेंगे। और ये आइसोप्रोपिल था, आइसोप्रोपिल का बोला था हमने यहाँ पे एच जोड़े हैं तो इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप कह रहे हैं, ये प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स ग्रुप हो गए। अब हम बात करते हैं सफिक्स की, सफिक्स में मोस्टली हम फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं जो कि बाद में जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोकार्बन से एल्केन एल्कीन और एल्काइन का प्रयोग करेंगे। एल्केन एल्कीन क्या, अगर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लास्ट में ईन वर्ड को जोड़ देते हैं, अगर एक भी डबल बॉन्ड उपस्थित है, अगर मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड आ चुका है तो ये कार्बन स्केलेटन क्या होगा, यहाँ पे सफिक्स के रूप में ईन वर्ड को जोड़ेंगे। ईन का मतलब एथ, 2 कार्बन है 1 और 2 तो 2 कार्बन का मतलब एथ हो गया, और लास्ट में क्या जोड़ना है सफिक्स के रूप में, ईन एथ ईन, ठीक है, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा एथ ईन। और अगर मान लीजिए 3 कार्बन है, सॉरी अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंट की स्थिति में क्या होगा, 2 कार्बन की स्केलेटन है तो एथ ले लिया तो ये क्या होगा, एथाइन हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे, ये हमारे स्केलेटन एथाइन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कार्बन की स्केलेटन, यहाँ से जितनी बड़ी होगी कार्बन स्केलेटन वो हम ले सकते हैं, मान लीजिए 4 कार्बन की स्केलेटन है
CH3 CH3 एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का है बीच वाला, तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो ब्यूट हो जाएगा। चार कार्बन से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये क्या होगा ब्यूट, टाइम होगा लेकिन पोजीशन बताना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 हमने पोजीशन बता दी, तो 2 में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट 2 आयन हो जाएगा, पोजीशन बताना पड़ गया। इसको हम आपको अभी सिखाते हैं, तो ये ब्यूट आयन हो जाएगा। तो कैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे दो रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, ए सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड से तो एल्केन बोल देंगे उनको, और वाई यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे, ई यानी डबल बॉन्ड के लिए जोड़ देंगे। और अब जो सेकेंड पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप में उसमें क्या हो गए, कई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एज ए प्रीफिक्स भी यूज होते हैं, एज ए सफिक्स भी यूज करते हैं। एज ए प्रीफिक्स कैसे, जैसे सी डबल ओ एच ग्रुप है, सेकेंड पार्ट को मैं लिख रही हूँ, जैसे सी डबल ओ एच ग्रुप है, सी डबल ओ एच ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सी डबल ओ एच। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिख दिया फंक्शनल ग्रुप। सी डबल ओ एच को हम लोग एज अ सफिक्स ओइक एसिड कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, ओइक एसिड एज अ सफिक्स, ये ओइक एसिड को प्रयोग करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एज अ सफिक्स ओइक एसिड होगी। और आपके पास यहाँ पे SO3H, ये क्या सल्फोनिक एसिड है, तो इसको हम सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, एज अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। जैसे आपका ईस्टर है, ईस्टर को कैसे बोलते हैं, ईस्टर, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये ईस्टर हो गया, इसको बोलते हैं ओएट, ओ ए टी ई, ओएट, इसको बोलते हैं ओएट, हम लोग जब आईपीएसी पद्धति में इसको नाम करेंगे तो इसको ओएट बोल देंगे। जैसे एल्किल एल्कोनोइड, ठीक है, एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है, जो एसिड हैलाइड होंगे उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, हैलाइड लिखा ना, एक्स की जगह क्लोरीन जोड़ दें, एसिड हैलाइड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑयल, ऑयल हैलाइड, इसको क्या यूज करेंगे सफिक्स, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, यहाँ पे ऑयल हैलाइड इसको कहेंगे, इसे सेपरेट कर दीजिएगा जिससे दिखाई दे, ऑयल हैलाइड जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया, ऑयल हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड को ऑयल हैलाइड। एमाइड हो गया, जैसे एमाइड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, एमाइड, एमाइड में क्या यूज करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको एमाइड ही बोलते हैं, AMIDE, इसको हम एमाइड ही लिखते हैं, एज ए सफिक्स एमाइड ही लिखते हैं। जैसे नाइट्रिल ग्रुप है, जैसे नाइट्रिल ग्रुप है, नाइट्रिल ग्रुप कैसे होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्रिल बोलते हैं, और इसको नाइट्रिल ही एज अ सफिक्स में यूज करते हैं, नाइट्रिल ही इसको सफिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। कीटोन है, एल्डिहाइड है, यहाँ ऊपर लिखते जाते हैं फंक्शनल ग्रुप की जगह पे, फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन की वैलेंसी होती है, इसको सी एच एल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं, इसको एल्डिहाइड में अल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अल, अल,
मेथनॉल प्रोफेनॉल ब्यूटेनॉल है ना, ऐसे नेमिंग करते जाएंगे। कीटोन पहले नोट करते जाइए, कीटोन, कीटोन में क्या यूज करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन में सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोनिक ग्रुप हो गया। इसमें क्या यूज करते हैं, ओ एन ई ओन, कीटोन लास्ट का ओन वर्ड यूज करते हैं। एल्कोहल, अल एल्कोहल, एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते, ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एच से। तो एल्कोहल में क्या लिख सकते हैं, अल, ओ एल है। यहाँ पे ध्यान रखिए एल्डिहाइड में ए एल, अल बोल रहे, इसको ओ एल बोलते हैं, एल्कोहल अल। और एमीन को कैसे लिखेंगे, एमीन, एमीन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका एन एच टू। एमीन में हम लोग प्रयोग करते हैं एमाइन, एमाइन वही सेम हो गया, एमीन है ना, एमीन एमाइन सेम हो गए, एमीन ही सॉरी बोलेंगे, एमीन। और थायोल, थायोल को कैसे लिखेंगे, थायोल मतलब सल्फर वाला ग्रुप है, एस एच, इसको हम लोग बोलेंगे थायोल, इसको बोल दिए थायोल। ये फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे नेमिंग हो गया। जैसे अब हम लोग पूरे डिटेल में इनका नॉमनक्लेचर कैसे किया जाएगा वो समझते हैं।